व्यास ने जितने भी ब्रज में नवजन्मित शिशु थे उनको मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसनी को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, पूतना बच्चों को मारती है। अच्छा, पूतना का अर्थ क्या है? पूतना जिसे पूत प्रिय ना हो, जो पूतों का ही आहार करे वो पूतना। पूतना मौसी पूरे ब्रज के बच्चों को खाने के लिए मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगाकर निकली। जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको मार डाला। किसी ने पूतना मौसी को खबर दी कि गोकुल में नंद बाबा के घर पर छोरा हुआ है। आहा, पूतना मौसी पहुंच गई। अच्छा, बनावटी सिंगार बनाया, थी तो राक्षसनी, बड़ी भयंकर दिखती थी, लेकिन पूतना मौसी ने ऐसा सिंगार किया कि मानो दूसरी लक्ष्मी जी हो, लक्ष्मी जैसा रूप धारण किया। यहां पर एक बात और बोलेंगे आप लोगों के लिए, सुनो, कभी कभी नकली प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की जाती है कि हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, वाह वाह वाह, हम आपके साथ हैं भाई, हम आपके साथ हैं, बैठ जाओ, आपके साथ हैं। अब बैनर नीचे कर लो और हमारी तरफ से हिंदू धर्म संरक्षक समूह के सभी कार्यों में सहयोग मिलेगा। अच्छा, बैठ जाओ, बोलो जय सिया राम। ठीक है, आप लोग खड़े ना हो, बैठ जाएं, बहुत अच्छा है। तो पूतना मौसी रूप जो है बना करके आई नकली। एक बात बताएं, कभी कभी असली प्रोडक्ट की जगह नकली प्रोडक्ट की ऐसी पैकिंग की जाती है कि असली प्रोडक्ट फीका पड़ जाता है। और बुरा मत मानना, हम तो विनम्र पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, जो ज्यादा चटर पटर दिख रहा हो जरूरी नहीं है कि वो जितना चटर पटर है उतना ही ठीक है। पुरानी बस के ऊपर नया डेंट पेंट लगाने से इंजन में दम नहीं आती, वो तो स्टार्ट करने पर ही पता लगता है कि नई है कि पुरानी। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का रूप देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसके गुणों को देखना चाहिए कि जो इसका रूप है वैसे गुण है अथवा नहीं है। अब आजकल रूप की तो पूछो ही मत, सबसे ज्यादा श्राप अगर किसी को लगनी है, खैर है ये हंसी की बात, विनोद की बात, सबसे ज्यादा श्राप किसी को लगनी है तो ब्यूटी पार्लर वालों, ब्यूटी पार्लर, वो काली जामुन के ऊपर भी इतना तेज फाउंडेशन लगा देते हैं। एक बार हमारे एक चेला की शादी हुई, क्षमा करना, बुरा मत मानना, चेला की शादी हुई तो लड़की दिखाई मेकअप में, चंगी लाल की शादी हुई मुन्नी बाई से, खूब भयंकर वाला मेकअप करवा दिया। हमारे पास चंगी लाल आया, बोला गुरुजी, धर्मपत्नी होने वाली हमारी ऐसे दिखती हैं जैसे पूनम जैसा चांद। हमने कहा जब भाई पूनम जैसा चांद दिखती है तो तुम जो है राहु मत बनो, स्वीकार करो। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा, डेंट पेंट किया था, जिस दिन बरमाला होनी थी बरमाला में बैठे, उस दिन भी इतना तेज और फाउंडेशन कि डबल पूनम का चांद, डबल डबल, सिंगल नहीं डबल। लेकिन वो तो किस्मत चंगीलाल की ठीक थी, उसे बचना था,
भगवान की कृपा बरसात हो गई। बरसात हुई तो टेंट से नीचे पानी गिरा, पानी नीचे गिरा तो मुंह पे गिरा, मुंह पे गिरा तो फाउंडेशन गाया, और फाउंडेशन गाया तो पूरी पूनम की चांद उतर गया और भीतर से अमावस्या जैसी रात। चंगीलाल भागा आगे आगे, चंगीलाल हम पीछे पीछे, हमका कहां जा रहा है? बोले गुरुदेव प्राण बच गए। हमने कहा क्यों? अरे बोले गुरुदेव, जिनके गले में मरमाला हमें डालनी थी, अगर वो रात को धोखे से मिल जाती बिना मेकअप के तो हमें चुड़ैल देखने की जरूरत ही नहीं है। खैर, अब ये घटना घटी थी, कहीं अखबार में भी छपी ये घटना। हाँ, चंगीलाल नाम नहीं छपा पर इस प्रकार की घटना छपी है। खैर, जो सिंगार करते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए, डबल करना चाहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हम सिंगार के खिलाफ नहीं हैं, सिंगार के पक्ष में हैं, क्योंकि अभी हमें 2 दिन ग्रेटर नोएडा में कथा करनी है। और माताजी कह रही थी बेटा साकुशल आना घर पर, अभी हमें साकुशल अपनी माताजी के पास जाना है, पता लगे कि कल ही दे बेलन दे चिमटा। ऐसे ही एक बार हुआ था, एक आदमी बहुत बक 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 करता था, पत्नी का दिमाग खराब, पत्नी ने बेलन लिया और पूरे दांत, रोज पत्नी जब भी घर जाए पत्नी से कहता गाजर खिलाओ गाजर, इतनी गाजर के पत्नी का दिमाग खराब। पत्नी ने एक दिन दांत ही तोड़ दिए, जब दांत ही नहीं रहेंगे गाजर क्या खाएगा। लेकिन आदमी भी ग्रेटर नोएडा का आदमी भी कम नहीं था, बोले गाजर के लिए तो दांत बचे नहीं, गाजर का हलवा ही खिलाओ। दांत नहीं है तो पॉजिटिव सोच है, सोच है, सकारात्मक सोच है, लोग ऐसे भी पॉजिटिव सोच लेते। हमने कहा यार भाई तुम्हारे दांत टूट गए अब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, अब हलवा खाएंगे। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। तो पूतना मौसी भी रूप धारण करके तो आई, पर रूप धारण करके ऐसा बनावटी श्रृंगार करके आई, आह मानो साक्षात लक्ष्मी जी बनकर आई। नंद बाबा के घर में गई, नंद बाबा तो थे नहीं, यशोदा मैया से, अरे बहन राम राम। हाँ बहन राम राम, क्या बात है, कौन हो तुम, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, यशोदा मैया ने पूछा। पूतना मौसी बनावटी ढंग से, जो आदमी ना बनावटी होगा ना वो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी दोनों ठोकता है। हा? जो नई नई अंग्रेजी, हमने जब नई नई अंग्रेजी सीखी थी ना तब हम बहुत ज्यादा हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू। खैर हमने सीखी इतनी है भगवान की कृपा से, इससे ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन जो नई नई अंग्रेजी सीखता है, 2-3 चीजों का हमने आकलन किया, जिसकी नई नई पहली बार कार आवे, कार चाबी का छल्ला। और बता, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है। अब डीजल महंगा होने का कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो चाबी दिखाना है कि कार है। एक सज्जन हमारे पास आए, मोटी चेन नई नई उन्होंने पहनी, हमारे पास आके बोले आजकल गुरुजी गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा परेशान, क्या बताएं, लगता है सेल्सियस 40 के ऊपर जा रहा है। हम तो समझ गए कि जे गर्मी से हैरान नहीं है, चेन से परेशान है, चेन के कारण बेचैन है। चेन के कारण हमने भी कहा गर्मी बेटा 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, दूसरी पैसों की गर्मी, लग कौन सी रही वो बता। तुम्हें कौन सी लग रही, मौसम की लगे तो एसी चलवा है, और पैसों की लग रही हो तो दान करो। बोलो जय सियाराम। अब ये मत पूछना कि वो आदमी भी ग्रेटर नोएडा का था, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हमें 2 दिन रहना है। बोलो जय सियाराम। तो दिखावटी कई लोगों की आदत, ऐसी पूतना मौसी बनावटी रूप धारण करके आई, तो शब्द भी कुछ संस्कृत कुछ ब्रजभाषा मिलावटी। अच्छा, जो अधकुचरा होते हैं, हमारे गांव में एक आदमी मर गया, छन्नू लाल, अब है नहीं, छन्नू लाल उसका नाम था, छन्नू लाल नाई, छन्नू लाल जी है नहीं,
पर उन्होंने नई नई अंग्रेजी सीखी अंग्रेजों से बात करने के लिए। गांव में आए अंग्रेज, अंग्रेजी भी उन्होंने टूटी फटी सीखी, और अंग्रेजों को उन्हें बतानी थी कि यहां बहुत धूल है, तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा दिस इज धूलई धूरा। उन्हें अंग्रेजी में कहनी थी बहुत धूल है, तो उन्होंने जो है आधी हिंदी आधी अंग्रेजी लपेट के कहा, बोले दिस इज धूरई धूरा। बोलो जय सियाराम। पूतना मौसी भी आई तो वो जसोदा मैया कहती, बहन हमने आज तक तुम्हें देखा नहीं, कहां से आई हो, कौन हो तुम? पूतना मौसी कहती है हम आपके रिश्तेदार हैं, दूर की बहन लगते हैं। हे भगवान, आज तक तो बहन कोई शादी में नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी, क्या बात है? पूतना मौसी झूठ बोली, क्या बात है, कुछ नहीं, बस जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं बाहर थी, बीच में बहुत बार आने का सोचा पर मैं आ नहीं पाई, मैं दूर की तेरी रिश्तेदार नहीं लगूं यशोदा बहन। अब मैंने सुना तेरे घर में जा उम्र में भी छोरा भाव है, सोचा जरा बधाई दे आऊं, बधाई देने को आई हूं। अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे। बहन जरा छोरा को मुंह तो दिखा दे। यशोदा बोली, ना 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 ना, अभी हाल मैंने छोरा को पलने में पोड़ाव है, सुलाया है, अभी तू जाएगी छोरा जाग जाएगा, फिर कभी आना तब छोरा को गोद में ले लेना। अच्छा मैया तू चिंता ना कर, तू अपना काम कर, छोरा जाग जाएगा तो मैं बा को बधाई दे करके चली जाऊंगी। यशोदा मैया तो काम में फंस गई, काम में व्यस्त है गई। अब पूतना मौसी आई कहां, ठाकुर जी के पास में, तो हमारे ठाकुर जी पहले तो जाग रहे थे, जैसे ही पूतना मौसी को आते देखा सोई अपने नैनों को बंद कर लिया। किसी ने कहा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? एक संत बोले भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो है माया का, भगवान का नाम है मायापति। भगवान ने सोचा कहीं माया का रूप धारण करके ये हमारे सामने आई, हम हैं मायापति, हमारी दृष्टि पड़ेगी माया हट जाएगी और पोल खुल जाएगी, मैया राक्षसी का रूप देख करके डर जाएगी, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरा कारण। अच्छा दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण ये है कि पूतना मौसी आई अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगाकर। भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने और मौसी जी पहले नंबर पे ही जहर पिला रहे, जहर पीने का अनुभव हमें नहीं है, हमें तो माखन मिश्री का है, जहर पीने का अनुभव तो भूतनाथ भोले बाबा को है, उन्हें याद कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरे संत बोले नहीं नहीं नहीं, तीसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है? बोले भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि आपकी आंखों में जादू है, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी मारी बारी बारी छुई छतियों से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी। तो भगवान ने सोचा लोग कहते हमारी आंखों में जादू है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आंखों में देखे और हमसे प्रेम कर बैठे, और फिर कोई अगर प्रेम कर बैठे तो हम मार नहीं सकते, बध नहीं कर सकते, और ये है राक्षसनी, छोटे छोटे बालकों को मार कर आई है, इसलिए हम इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, आंख बंद कर लेते हैं, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। चौथे संत बोले नहीं नहीं नहीं, और कारण है। बोले क्या कारण है? बोले भगवान ने सोचा श्री गणेश कर रहे हैं मंगलाचरण कर ले, क्यों?
क्योंकि राम अवतार में भी प्रारंभ में एक स्त्री का वध किया श्री गणेश में, और कृष्ण अवतार लेकर आए हैं तो फिर एक स्त्री पूतना मौसी का वध करना है। अच्छा, राम अवतार में किसका वध किया? राम अवतार में चाची ताड़का और कृष्ण अवतार में मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने मंगलाचरण करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पांचवें संत बोले, नहीं नहीं नहीं, एक और कारण अथवा, अच्छा पांचवा कारण क्या है? भगवान ने अपनी आंखें बंद क्यों की? ठाकुर जी ने पूतना मौसी को आते देखकर इसीलिए अपनी आंखें बंद कर ली कि देखो पूतना मौसी अविद्या है, अविद्या का रूप है। पूतना का मतलब अविद्या, अज्ञान, अविद्या, विद्या नहीं अविद्या। भगवान ने सोचा ये है अविद्या, अविद्या को दर्शन विद्या का नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना मौसी ने भगवान को गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर भगवान को स्तनपान कराने लगे। भगवान ठाकुर जी स्तनपान करते 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 ना भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब पूतना मौसी चिल्लाई, नापूत नापूत, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, कहो मौसी जी कैसा लग रहा है? अब कितना भी चिल्लाओ छोड़ दे छोड़ दे। मौसी जी हमारा नियम है, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते भी तो नहीं है। अब कोई कितना उपाय कर ले, अब नहीं हम छोड़ने वाले। अब पूतना मौसी भागी मथुरा की तरफ, नापूत छोड़ दे छोड़ दे। आहा हा, मथुरा की तरफ रास्ते में गई। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर जाना अभी ट्रैवल करना बहुत अच्छा नहीं है, उसके पहले ही ब्रेक लगा देना चाहिए। भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींचा, और जैसे ही प्राणों को खींचा सोई पूतना मौसी का माया का रूप चला गया। असली रूप में 6 कोस की भारी बड़ी राक्षसनी बनकर धरती पर गिर गई, धड़ाम हो गया गोविंदाय नमो नमः। मौसी जी तप गई, पूतना मौसी मर गई। बोलो जय सियाराम। हम भगवान पूतना मौसी के ऊपर खेल रहे, हाथ पांव फटकार रहे भगवान, और धीरे से बोले, कहो मौसी जी कैसा लग रहा है? मौसी जी के तो प्राण पखेरु उड़ गए। घर पर यशोदा मैया काम धाम करके फ्री हुई, पलना में ठाकुर जी को अपने लाला को देखने को आई। सोचा चलो नेक लाला को जगा देवे, नेक दूध पान करवा देवे, स्तन पान करवा देवे, नहीं तो लाला को भूख लगाएगी तो रोने लगेगा। जैसी मैया आई देखती है, हे भगवान सब कुछ है पर छोरा नहीं है, यहां देखा वहां देखा पूरे भवन में देखा, छोरा नहीं दिखाई पड़ा। रोने लगी, गोपियां आ गई, का है गौ मैया काय को रो रही है? जसोदा मैया कहती, अरे गोपियो अबे हाल हमने अपने लाला को पलने में पोड़ाओ हो तो, पलने में सुलाया था, पता नहीं छोरा कहां चला गया। अच्छा सब देखने लगे, लेकिन छोटे छोटे छोरा भागे भागे आए, अरे मैया लाला मिल गयो मथुरा की गली में, भारी शरीर के ऊपर डलो है। मैया भागी भागी गई, सारे ब्रजवासी भागे भागे गए। मैया को आते देखकर पहले तो ठाकुर जी खेल रहे थे, पर मैया को आते देखा तो हमारे कन्हैया हैं ही बड़े लीलाधर, मैया को आते देखकर ठाकुर जी रोने लगे। आहा, मैया ने गोद में ठाकुर जी को उठाया, अरे मेरे लाला। गाय की पूंछ ली, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी, हे नारायण भगवान, हे चक्रशोधरसंधारी, हमारे छोरा की रक्षा करो। ना जाने भगवान ये कौन सी राक्षसनी छोरा को लेके जा रही थी। भगवान मन ही मन बड़ा हंसने लगे, क्यों? भगवान कहने लगे, धन्य हैरी मैया, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा लगा रही है,
नारायण हमारो ही नाम है, चक्षु दर्शन धारी हम ही हैं, हमारे ही नाम से झाड़ा लगा रही बाहरी मैया। आहा, लेकिन सब गोप गोपियां सारी ब्रजांगनाएं मन में सोचने लगी, और तो सब ठीक है पर जे बताओ भैया इतनी बड़ी राक्षसनी मरे कैसे होई? किसी ने कहा चोट लग गई, किसी ने कहा पैर से फिसल गई होगी सो गिर के मर गई। छोटी छोटी छोरा बोले मैया बुरा ना माने तो हम बतावे। हाँ भैया तू ही बता दे। मैया जी अपने लाला को लेके जा रही होगी, जाको शरीर तो है भारी बड़ो, दौड़ लगा रही होगी तो जाके पांव में पांव बिद गए होंगे सो मर कर गिर करके मर गई राण पूतना, ऐसे मरी होगी। जहां इतना कहा मैया बोली है ऐसे थोड़ी ना है मरे, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए, नंद बाबा माला लिए हनुमान जी का नाम लिए। वैसे एक बात बोले, बच्चों को भय सताता हो, बच्चों को नजर बहुत लगती हो, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती हो, हनुमान चालीसा का पाठ भोज पत्र में लिख करके छोटे छोटे अक्षरों में और ताबीज बनाकर बच्चों को पहना दो, आपके बच्चों का कोई भी भूत पिशाच बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय पत्र में जो भी हनुमान चालीसा को लाल रंग की स्याही में लिख करके छोटे छोटे अक्षरों में लिखकर भोज पत्र को मोड़कर ताबीज में बनाकर जो भी अपने बच्चों को पहना देता है उन बच्चों को कभी भी भूत प्रेत नहीं सताते। अरे भैया बच्चों के पास आएंगे प्रेत और भूत तो तुरंत खड़े हो जाएंगे सामने राम जी के दूत। क्यों? हनुमान जी है राम जी के दूत, क्या करेंगे इस दुनिया के भूत? बोलो जय सियाराम। इसलिए नंद बाबा हनुमान जी का नाम लेते लेते आए, काहे गौ ब्रजवासियो। ब्रजवासी बोले बाबा इतनी बड़ी राक्षसनी कैसे मर गई? नंद बाबा बोले भैया आज हम समझ गए, बड़ो पक्को वालो ज्योतिषी है वसुदेव, बाने मथुरा में ही बता दी थी कि तेरे छोरा के ऊपर लफड़ा होने वाले, और जैसे ही मोए पतो लगो सोई मैंने हनुमान जी के नाम को जप करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय जी पूतना राक्षसनी, जी राक्षसनी हमारे लाला को लेके जा रही होएगी, हनुमान जी से नहीं देखा गया, एक मुक्का बना करके रगड़ दिया सोई मर गई राण पूतना। हाँ ब्रजवासी बोले भैया बाबा ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा, ऐसे मरी होगी भैया पूतना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना मौसी को काटा गया, भाई ऐसी तो जल नहीं सकती, भारी शरीर, छह कोस का शरीर, जितने पेड़ पौधे चकना चूर हो गए थे सब शरीर पर डाले। लेकिन एक चमत्कार हुआ, बोले क्या? दैयमानस्य देहस्य, शरीर को जब जलाया तो पूतना मौसी के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, क्या निकली? चंदन की
सुगंध और चंदन की सुगंध निकली और एक चेतना शरीर से निकलकर हमारे ठाकुर के हृदय में बास कर गई।